ये रिश्ता क्या कहलाता है। मैडम फिर फोन पर लगी हुई। अकेडमी की साइट चेक कर रही थी, पता है 104,000 लाइक्स और कितने ही व्यूज। Are you serious? इतनी जल्दी इतना अच्छा रिस्पांस? यार मुंह मीठा करना तो बनता है। थैंक यू सो मच। सिर्फ थैंक यू। आज का दिन बहुत लकी है। बस वो मूर्ति मिल जाए। मिल जाएगी, मेरा दिल कहता है पक्का मिल जाएगी। और मेरा दिल हमेशा वही कहता है जो तुम्हारा दिल कहता है। वो क्या कर रही हो तुम? मुंह मीठा करवा रही हो तुम्हारा? तौबा तौबा तौबा, क्या जमाना आ गया है। अच्छा ठीक है, अब तुम्हें डाइट ही करनी है तो फिर करो, कोई बात नहीं। अरे ऐसे कैसे डाइट कर रहा हूं मैं? सुनो, बहुत जरूरी बात करनी है। लो, हमारे प्यार का एक और दुश्मन पैदा हो गया। दुश्मन नहीं है, भाई है तुम्हारा। खोलो। चलो। हाँ क्या हुआ? अरे बड़े भैया, सुहाना की मम्मी जी घर पर आ रही है और मुझे एकदम हीरो जैसा ढिंचैक दिखना है, लेकिन अब कार्तिक तुम करो ना हेल्प उसकी, देखो कितना परेशान है। हाँ क्यों नहीं, मेरे कबाब में हड्डी वाला तुम्हारे लिए कबाब पकाऊंगा। हाँ, चलो चलो। लो तैयार है आज की शाम का हीरो। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। सच में आज तो कुछ ज्यादा ही जच रहे हो। अरे बड़े भैया ने बहुत मदद की हमारी, ये कपड़े हेयर स्टाइल परफ्यूम सब इन्हीं की पसंद का तो है। थैंक यू। रमेश सारे घर की लाइट्स जला दो, संध्या होने को है। ये लाइट को क्या हो गया? हे भगवान, एक और अपशगुन। लाइट से दादी वोल्टेज कम ज्यादा होने से फ्लिकरिंग हो जाती है, इसमें क्या शगुन और क्या अपशगुन। हमारे यहाँ भी इसे अपशगुन ही मानते हैं। वही तो उसका उपाय करना होगा। ये लीजिए, हो गया उपाय। अब इस घर पे लगी नजर उतर गई। मेरी दादी क्या करती थी ऐसे, उनसे ही सीखा है मैंने। वैसे और बहुत कुछ सिखाया है उन्होंने मुझे। खुश रहो बेटा। नहीं बेटा, कोई जरूरत नहीं है। सुहाना तुम अकेली आई हो? नहीं नहीं दादी, माँ और भैया साथ में आए हैं। शुभम ने मुझे आपका मैसेज दिया था। और हाँ दादी, आज के बाद मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। वो रहे।
नमस्कार माता जी। प्रणाम माँ जी। थू थू थू, किसी की नजर ना लगे, जैसा सुना था उससे भी अच्छा पाया। अरे फ्लाइट कैसी रही आपकी, यहाँ तक आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और अगर होती भी तो तुम्हें देख के मेरी सारी प्रॉब्लम गायब हो गई। वाह वाह, कितना अच्छा लग रहा है, मेरी बिटिया ने कितना प्यारा लड़का ढूंढा अपने लिए, है ना? माँ जी, ये छोटी सी भेंट हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं, और ये भेंट हमारी प्यारी बड़ी बिटिया के लिए। सुहाना ने मुझे खुशखबरी के बारे में बताया है, बाल गोपाल के आशीर्वाद से इस घर में उनकी छवि बहुत जल्द उतरेगी, है ना? तो कितनी प्यारी है, इधर आओ। चुप चुप जियो हमेशा। आप आइए ना, बैठिए या आइए। बिल्कुल, चलो सुहाना बेटा। आप है कहाँ से? मतलब उदयपुर से होते तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं मिलना जुलना तो होता ही। जी जी जी, हम लोग सलासर से हैं, बरसों पहले मुंबई शिफ्ट हो गए थे। क्या है ना कि सुहाना के पापा चाहते थे कि हम किसी बड़े से शहर में जाके बिजनेस शुरू करें, वो तो रहे नहीं, लेकिन उनकी लाडो की शादी धूमधाम से हो, अच्छे घर में हो, अब इसकी पूरी जिम्मेदारी मुझ पे आ गई है। और मुझ पे भी? अरे हम दोनों पे। अरे अपने पापा की लाडली थी सुहाना, अपनी राजकुमारी को महलों में ब्याहना चाहते थे, मेरी ऐसी कोई जिद नहीं है। अरे बच्चे प्रेम से रहें, खुश रहें, घर परिवार अच्छा हो, मैं तो उसी में खुश हूँ। हाँ हम भी तो यही चाहते हैं, लड़की अच्छी हो, परिवार अच्छा हो, खानदानी इज्जतदार लोग हो, तो रिश्ता बराबरी का होगा। अब आप बताइए आपके कुल गोत्र के बारे में। जी बिल्कुल, एक तरफ से खापज मेरा, गोत्र मनंस, कुल देवी नौसर माता देवी और स्थान पुष्कर, और जी मेरे मायके की तरफ से खापज आज, गोत्र बंसाली, कुल देवी कायल माता और स्थान पर्वत सर। बस इतना ही? और कुछ भी बताओ, मामा चाचा बुआ मौसी सबके बारे में बता सकती हूँ, पूछिए तो सही। नहीं नहीं नहीं, इतना बहुत है। नहीं बांधा नहीं, आप पूछिए तो। माफ कीजिएगा, मैं भी ना कभी कभी, क्या है ना वो मुंबई में फैक्ट्री के वर्कर्स और अड़ोसियों पड़ोसियों से उन्हीं की जबान में बात करती हूँ तो आदत सी हो गई है। कोई बात नहीं आंटी जी, जहाँ इतने साल रहे वहाँ की भाषा जबान पर चढ़ी जाती है। हाँ ये रिश्ता क्या के?